ये सब हमारे रिश्तेदारों के घर हैं, और वहाँ नीचे घर हैं वो भी हमारे परिवार से ही हैं, और वहाँ है किसन्दा हमारे। इनकी भी लेता ना ये पैसा। तो दोस्तों हम पहुँच गए झाकरसैम में, और ये है मंदिर, और ये रोड है जागेश्वर को, और ये जो रोड गई है ये हमारे घर की तरफ को जाती है, यहाँ पर लगा के हमने गाड़ी, और गाड़ी की हालत दिखाते हैं आपको, पूरी गाड़ी बिल्कुल धूलमयी हो गई है ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात आप सभी लोग, बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से, और आज ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे पहाड़ अपने पैतृक गांव जागेश्वर से। तो दोस्तों आज जागेश्वर में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का नेचर और वातावरण कैसा है, और दूसरा हम आपको दिखाएंगे यहाँ से बाज़ार का व्यू। आज हमने जाना है बाज़ार, और हम यहाँ से बाज़ार को जाएंगे, और यहाँ का वातावरण कैसा है और यहाँ क्या होता है बाज़ार में, कैसी दुकानें हैं ये दिखाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में, तो लेके चलते हैं हम आपको बाज़ार की ओर, और ऊपर लगी है हमारी गाड़ी, तो दोस्तों चलते हैं। तो ये हरी भरी वादियाँ हैं, बादल लगने के कारण हिमालय नहीं दिख पा रहा है, और ये सामने भी एक गाँव है बहुत अच्छा, और ये हमारा पैतृक गांव है। आज मौसम थोड़ा ख़राब है, आसमान में घने घने बादल लगे हैं, और उससे आगे की साइड को है पिथौरागढ़ का एरिया, और ये इसको कहते हैं जागेश्वर क्षेत्र, जागेश्वर विधानसभा है यहाँ। और जस्ट ये देख रहे हैं ये जो पेड़ हैं इसके पीछे जागेश्वर है, अगर हम पैदल जाएं तो मुश्किल से आधे घंटे में हम जागेश्वर पहुंच सकते हैं, और बाई गाड़ी से, और उप बाई गाड़ी से हमको आधा पौन घंटा लग जाएगा। और ये है रास्ता ऊपर का, और ऊपर हमने खड़ी करी है वहाँ पर को गाड़ी, और ये यहाँ के सीढ़ीदार सीढ़ीनुमा खेत हैं, ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और वहाँ पर कोई एक प्राइमरी स्कूल है। यहाँ घर बहुत दूर दूर होते हैं, एक घर ये है, एक घर ये है, एक घर ये है, ये सब हमारे रिश्तेदारों के घर हैं, और वहाँ नीचे घर हैं वो भी हमारे परिवार से ही हैं, और वहाँ भी घर हैं, सबके अलग अलग घर हैं यहाँ पर को बहुत दूर दूर। और अभी ले चलते हैं हम आपको बाज़ार की ओर को, और यहाँ की बाज़ार भी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, ये है किसन्दा हमारे, इनकी भी लेता ना ये। हाँ अब लूँगा, और ये चढ़ाई थोड़ी सी चढ़ाई नहीं है ज़्यादा, और यहाँ लगाई है हमने गाड़ी। हाँ हिमालय में बादल है, तो ये है हमारी गाड़ी यहाँ पर को खड़ी हुई, अपनी गाड़ी आराम कर रही है अभी, तो अब इसको लेके जाएंगे हम बाजार, और ये है नज़ारा हमने लगा रही गाड़ी, और यहाँ से जाएंगे, एसी रोड है यहाँ पे। तो दोस्तों चलते हैं अब, ओह तो दोस्तों हम पहुंच गए झाकरसैम में, और ये है मंदिर,
रेनोवेशन हुआ है हाल ही में, काफ़ी प्यारा दृश्य है। ये एक पत्थर है, ये उठाना बहुत भारी है, ये बहुत भारी पत्थर है और इसको जो उठाता है बहुत कम लोग इसे उठा पाते हैं। ये पत्थर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी पौराणिक है, काफ़ी पुराना है और इसको जो उठाते हैं काफ़ी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये है यहाँ पर कोई धुनी है, सैम जी की धुनी। और इस धुनी में महिला प्रवेश नहीं करती है, कृपया महिला धुनी में प्रवेश ना करे और कोई भी व्यक्ति मंदिर में नशे में प्रवेश ना करे। बहुत बढ़िया, दोस्तों हम पहुंच गए बाज़ार और ये रोड जाती है जागेश्वर को, ज्वेलर रोड जाती है जागेश्वर को। और अभी ये बनाया गया था, ये बहुत अच्छा व्यू है, ये गेट बनाया है जागेश्वर का ले गेट। और ये रोड है जागेश्वर को और ये जो रोड गई है ये हमारे घर की तरफ को जाती है और ये छोटी दुकानें हैं यहाँ पर को राशन की। और यहाँ पे लगा के हमने गाड़ी और गाड़ी की हालत दिखाते हैं आपको, पूरी गाड़ी बिल्कुल धूलमयी हो गई है ये। और यहाँ पर से ले रहे हैं भाई लोग सामान, छोट मोट जो बच गया है सामान वो ले रहे हैं। और ये है यहाँ की दुकानें, तो फिर आगे की मार्केट में भी जाते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम पहुंच गए पनवनौला और हमारे साथ आए हैं हमारे भाई लोग और ये है मार्केट यहाँ की, यहाँ की शॉप ऐसी है, पनवनौला बाजार है ये। और ये कपड़े की दुकान है और ये और राशन पानी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर और सारे काम हमारे हो चुके हैं बाजार के और अब करते हैं शाम को पूजा की तैयारी। और तो फाइनली दोस्तों हम घर पहुंच चुके हैं और शाम के बज चुके हैं 4 और अब आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।